ज में आपका स्वागत है मैं हृतिका और आज के एपिसोड में मैं आपने लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी टिफिन रेसिपीज जो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं हमारे चैनल पे चल रही है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर रेसिपी सीरीज जिसमें हम सारी रेसिपीज जो है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में बना रहे हैं क्योंकि आपके लिए टाइम सेविंग है और आप इसको समर्स में बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है किचन में कम टाइम देना पड़ता है खाना जलता नहीं है आप बस एक बार टाइमर लगा के किचन से आउट और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज तैयार हो जाती है ये हमारा एपिसोड नंबर फोर है और अगर अभी तक आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे

चटपटे छोले और ये छोले की सबसे आसान रेसिपी है और बहुत बढ़िया बनती है तो यहाँ पे मैंने छोलों को रात में ही भिगो दिया था अच्छे से पानी से धो लिया था कई बार अभी जो पानी जिसमें हमने इन्हें भिगोया है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे सारे छोले हम इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर के जो मेन पॉट है उसमें ट्रांसफर कर देंगे और साथ ही इसमें आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे और नमक डालेंगे अब यहाँ पे लिड को क्लोज कर देंगे यहाँ पे जो विसल की पोजीशन है उसे हमें सीलिंग पे रखना है और हम इसे बीन्स मोड को सेलेक्ट करके 40 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे यानी 40 मिनट्स के लिए कुक करेंगे बीन्स बोड में अपने से टाइमर जो आता है वो 30 मिनट्स का आता है बट मैंने यहाँ पे 40 मिनट्स का कर दिया था ताकि ये छोले अच्छे से उबल जाए यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं वो हरड़ की वजह से आया है ये मैंने बाद में खोल के डाल दी थी मैं इनिशियली दिखाना भूल गई बट ये जरूर ऐड कीजिएगा आंवला या चाय की पत्ती भी आप ऐड कर सकते हैं ये हरड़ है और इसका बस एक ही टुकड़ा काफ़ी होता है इतने छोलों के लिए ये अराउंड 250 फिफ्टी ग्राम्स छोले थे छोले हमारे अच्छे से उबल गए हैं इसका पानी हम सेपरेट कर देते हैं और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले इसमें जाएगा एक बड़ा चम्मच छोले मसाला थोड़ा सा गरम मसाला फिर जाएगा धनिया पाउडर साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक जरा सा हमने उबलते टाइम भी डाला था इसलिए थोड़ा कम डालेंगे ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च ये जो सारे मसालों की लिस्ट है वो मैं नीचे लिख दूंगी क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये जो हरड़ है इसको हम अलग कर लेंगे यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्च कट करके रखा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़े से रफली चॉप टमाटर भी डालेंगे इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सोटे मोड ऑन कर देंगे और फाइनली हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन को घी में चटका लिया था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और सिर्फ दो मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे और हमारे बहुत ही बढ़िया वाले छोले बनके रेडी हो जाएंगे गैस एट इट। बस लग रहा है कि कहीं से ना कुलचे मिल जाएं। और मैं इसको डायरेक्टली टिफिन में ही पैक कर रही हूँ तो आज इन चटपटे छोलों के साथ में जा रहे थे पराठे जिन्हें मैं पैक करी हूँ यूनिट आपके पेपर फॉइल में ये आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो यहाँ पे हमने इन्हें अच्छे से पैक कर दिया है और हमारा आज का टिफिन बन के रेडी है और छोले उबलने के लिए मैं सुबह उठते ही लगा देती हूँ इसलिए ये सब्जी बनाने में हार्डली पाँच मिनट लगते हैं गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये आप इसे ट्राई कीजिएगा ऐसे ही सो so ये थी चटपटे छोले की रेसिपी और इसके बाद हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलेशियस चाप और ये चाप की आज तक की सबसे इजी रेसिपी है डू गिव इट अ ट्राई और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें चाप के जलने का या कुछ होने का डर नहीं था बस टाइमर लगा के आउट एंड गेट गट चाप रेडी फॉर टिफिन लाइक इन फ्यू मिनट्स बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी वाली चाप सोया चाप और ये मेरी एक पर्सनल फेवरेट है तो सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फ्रोजन चाप को हम गर्म पानी में 10 मिनट तक भिगो देंगे उसके बाद निकाल के स्टिक हटाएंगे और इसको पीसेस में कट कर लेंगे यहाँ पे मैंने अगारो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को सेट किया है सोटे मोड पे थर्टी मिनट्स जो है इसका डिफॉल्ट टाइमर आ जाता है इसमें दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे जितने हमारा तेल गरम हो रहा है हम चापों को और कट कर लेते हैं अब सारी चाप को हमें फ्राई करना है चाप का मसाला बनाने के लिए प्याज टमाटर अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हम साथ में ही पीस लेंगे यहाँ पे पूरा मसाला हम एक साथ भूनने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और हमारा टिफिन की रेसिपी है तो जल्दी से बनेगी चाप को हमेशा गर्म तेल में डालिए और इसे डालने के बाद कम से कम दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दीजिए अगर हम इसे तुरंत ही निकालने की कोशिश करते हैं तो ये नीचे चिपकने लगती है जहाँ पे तेल ज्यादा होगा ये बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगी चाप को फ्राई होने में चार से पांच मिनट लगेंगे ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी तब हम इन्हें निकाल लेंगे जो थोड़ा बहुत नीचे लगा रह गया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मसाले में छूट जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा दालचीनी का एक टुकड़ा और तेज पत्ता ये देखिए यहाँ पे चाप लगी है बट नॉट टू वरी इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने थोड़ी देर पहले बना के रेडी कर लिया था इसको हम ढक के दो मिनट के लिए पका लेंगे बहुत ही जल्दी से ये पेस जो है बॉईल पे आ जाता है अच्छे से भुन जाता है तो यहाँ पे मैंने स्टीम से करके दो मिनट का टाइमर लगा दिया है साथ ही जो वेसल है उसको वेंटिंग पोजीशन पे रखा है दो मिनट बाद आप देखेंगे कि मसाला अच्छे से भुन गया है अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले जैसे कि नमक लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच यहाँ पे मैंने किचन किंग मसाला भी डाला है इन मसालों को एक मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और फिर हम इसमें फ्राइड चापे ऐड कर देंगे चाप के साथ में मसाले को कम से कम दो मिनट के लिए भूनना है बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी इस समय उसके बाद अपने हिसाब से आप पानी ऐड कीजिए आप जितना रसा रखना चाहते हैं अब यहाँ पे फाइनली हम इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की लिड को क्लोज करेंगे विसल को हम सीलिंग पोजिशन पे कर देंगे हम इसे प्रेशर कुक करेंगे सिर्फ पांच मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप इसे आठ मिनट तक कर सकते हैं मीडियम पे बट मैंने हाई पे पांच मिनट किया था पांच मिनट बाद आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया सी सब्जी आपकी रेडी हो गई है इस पर हरा धनिया डालिए और बस गर्मा गर्म टिफिन में पैक कर दीजिए और ये इसका रंग देखिए कितना बढ़िया है ऐसा लग रहा है घंटों मसाला भून के सब्जी बनाई गई है बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्टी मसाला इसमें अंदर तक जाएगा चापों के और बहुत ही टेस्टी लगेगी कैसी लगी बताइएगा ये थी हमारी बहुत ही टेस्टी चाप की रेसिपी और आइए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे जिसमें बनाने वाली हूँ एकदम बढ़िया वाले राजमा और इसमें ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसके लिए आपको राजमा अलग से उबालने की जरूरत नहीं है आप एक ही पॉट में बना सकते हैं और अगेन आपको सिर्फ किचन में दस मिनट देना है उसके बाद टाइमर लगा के आप आउट और टेस्टी राजमा इन तो आइए बनाते हैं टिफिन बॉक्स के लिए टेस्टी राजमा मसालेदार राजमा और इस रेसिपी की खास बात यह है कि आपको इसमें राजमा को पहले से बॉईल नहीं करना है तो यहाँ पे मैंने प्याज अदरक और लहसुन को अच्छे से पीस लिया है साथ ही मैंने चार टमाटर भी लिए हैं जिन्हें हम लीटर पीस के तैयार कर लेंगे और ये है राजमा यहाँ पे एक कप राजमा को मैंने रात में ही भिगो दिया था अब हम अगारो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को सोटे मोड पे ऑन करेंगे और कुकिंग पॉट में डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ये जो देसी वाली सब्जियां हैं ये सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं यहाँ पे मैंने लिए हैं छह खड़े मसाले जिसमें हैं जीरा तेज पत्ता बड़ी इलायची दालचीनी काले मिर्च और लौंग जब खड़े मसाले अच्छे से भून जाएंगे हम इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे यहाँ पे हम इसे भी कम से कम दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे अब डालेंगे सूखे मसाले जिसमें है हल्दी नमक गरम मसाला धनिया पाउडर और साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक तो यहाँ मैंने एक चम्मच नमक भी डाल दिया है अब हम मसालों को भूनेंगे जब भी हम मसालों को इस तरह भूनते हैं हमें हमेशा टमाटर पीस के रेडी रखना है नहीं तो पानी रेडी रखना है उसे हम तुरंत से ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं अब यहाँ टमाटर को भी अच्छे से हम पीसेंगे मैं इसमें राजमा मसाला ऐड कर रही हूँ वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है बट इससे एक पिक्यूलिया फ्लेवर आता है जो मुझे काफ़ी पसंद आता है राजवा मसाले के साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी भी डाल देंगे तो जो हमारा मसाला है ये एक बेसिक इंडियन करी का मसाला है और बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है अब डालेंगे रात भर भीगे हुए राजमा ये देखिए बहुत ही अच्छे से प्रॉपर फूल गए हैं अब इन्हें मसाले के साथ एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे थोड़ी सी हरी धनिया भी हम पहले ही ऐड कर देंगे जो हरी धनिया हम मसाले में भुनते समय ऐड करते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब आ रही है इसमें खूब सारा पानी डालने की जब राजमा चावल बनते हैं ना खूब सारे तरी वाले राजमा बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा बहुत से लोग इसमें आलू भी ऐड करते हैं आप ऐड करते हैं कि नहीं मुझे बताइएगा तो यहाँ पे हम विसल को रखेंगे सीलिंग पोजीशन पे और लिड को क्लोज कर देंगे यहाँ पे जो सॉटे मोड अभी तक ऑन था उसे हम कैंसिल कर देंगे और प्रेशर कुक मोड को ऑन कर देंगे इसको पकने में इनऑल 40 टू 45 मिनट्स लग जाते हैं मैंने यहाँ पे पहले 15 मिनट्स के लिए सेट किया था फिर लेटर ऑन टाइमर बढ़ा दिया बट आप इसे एक बार में ही 45 मिनट्स के लिए सेट कीजिएगा फोर्टी फाइव मिनट सुनने में ज़्यादा लगता है बट ये एक आपकी अनअटेंडेड कुकिंग है यानी एक बार आपको प्रेशर कुकर ऑन करके छोड़ देना है उसके बाद जब आप खोलोगे आपको बढ़िया सी सब्जी रेडी मिलेगी खाना बिल्कुल भी जलता नहीं है गैस इट कितना बढ़िया कलर आया है मसाला अच्छे से भुन गया है साइड में जो फ्लेवर तैर रहा है उससे पता चल रहा है कि जो हमारी करी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और राजमा हमारा प्रॉपरली गल गया है ये देखिए तो इसे हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं वेल मुझे ना राजमा चावल के साथ ज्यादा अच्छा लगता है मतलब राजमा चावल इज स्टेपल ऊपर से थोड़ा सा घी डालो मजा ही आ जाता है आप और आज जो किचन में खुशबू आ रही है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मतलब इट्स सो 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 एपर्टाइजिंग मन कर है बस यार अभी अभी चावल मिल जाए और कैमरा साइड में रख के पहले राजमा चावल खाया जाए सो so गाइस ये थी हमारी आज की रेसिपीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा साथ ही आपको हमारी इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर सीरीज कैसी लगी वो भी बताइएगा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सामान खरीद लेते हैं उसको फुल्ली you know, यू नो पूरा यूज नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए मैंने ये वाली गैजेट्स वाली सीरीज बनाई है जिसमें हम प्रेशर कुकर एयर फ्रायर सब आपको यूज करके दिखा रहे